नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है 3D कैमरा ट्रैकिंग। अगेन नेक्स्ट पार्ट है, 2 है। तो चलो देखते हैं हम लोग आज का वीडियो 3D कैमरा ट्रैकिंग। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे वीडियो फुटेज आ चुके हैं एंड देन मैं चाहता हूँ इस वीडियो फुटेज में मैं ट्रैक करूँ, मैं इसके कैमरा ट्रैकर यूज़ करूँ। तो जस्ट क्लिक करो एंड देन इसमें भी कैमरा ट्रैकर स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, तो कुछ टाइम लगेगा इसको इनिशियलाइज करने में एंड देन टाइम जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको हम लोग वर्क में ले सकते हैं। ट्रैकिंग होने के बाद थोड़ा सा आप साइज़ बढ़ा दो, बिकॉज आपको दिखेंगे नहीं। थोड़ा सा मैं साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, थोड़े से ऐसे दिख रहे हैं, बट आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो देखने के लिए, प्रीव्यू के लिए। तो आई थिंक मेरा इतना काफ़ी है एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ दिस इज़ फाइन। ओके, राइट क्लिक एंड देन अगेन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। आप नल भी ले सकते हो, दोनों का काम सिमिलर ही है, या सॉलिड भी आप रख सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए आप वैसा रख लो। तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे सॉलिड वाले रख लेता हूँ मैं कुछ ऐसे। एंड देन आप चाहो तो सॉलिड को थोड़ा सा अरेंज कर लो बेटर तरीके से, क्लिक करो एंड देन यहाँ पे एक्स वाई जेड रोटेशन है तो मुझे इस पर कुछ करना नहीं है। जेड रोटेशन को थोड़ा सा बड़े साइज में ले लो यहाँ पे कुछ ऐसे एंड देन स्केल कर दो। फाइन, तो स्केल को आप ब्रेक कर लो यहाँ से एंड देन फिर आप थोड़े से बड़े साइज़ में ले लेना। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ ये मुझे नहीं चाहिए, एक्स में चाहिए। थोड़े से बड़े साइज़ आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़े से साइड में आप ले सकते हो। तो पोजीशन को मैं थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, पोजीशन मैं थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ। तो थोड़ा सा ठीक है ये, रोटेशन ये नहीं चाहिए मुझे, रोटेशन ये भी रोटेशन नहीं चाहिए, बस ये रोटेशन को थोड़े से एडजस्ट कर लेना। आपको स्केल को थोड़ा सा बड़ा कर दो, तो थोड़े बहुत जो भी एडजस्टमेंट आपको करने हैं आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेना। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे मैंने लगा दिया स्क्रीन में कुछ और एंड देन इस स्क्रीन को मैं इजीली रिप्लेस कर सकता हूँ किसी भी वीडियो फुटेज से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने इफेक्ट कंट्रोलर में एंड देन यहाँ सॉरी मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट में एंड देन जो मेरे यहाँ पे HUDs हैं आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सिलेक्ट करो ऑल्ट एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप करो इसके ऊपर। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे ही ड्रैग एंड, बिकॉज आपकी ये मेरे थोड़े से बड़े साइज़ हैं तो आपको इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं अगेन ट्रांसफॉर्म में गया एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ। सिंपल वे में थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़े से वेट्स बढ़ा लो, कुछ ऐसे। फाइन, तो जैसा आपको चाहिए होगा थोड़े से एडजस्टमेंट कर लेना पोजीशन वगैरह, थोड़े से रोटेशन। तो रोटेशन आपको थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करने पड़ेंगे, नाउ ऑलमोस्ट ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पे एंड देन आप अभी प्ले करके देखो। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो एक बार यहाँ पे ये कुछ इस तरह से फिट हो जाने के बाद आप एक काम और भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ऑफसेट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सिंपली आप क्लिक करो जेड एक्सिस में, थोड़ा सा फेस के सामने लेके आ जाओ कुछ ऐसे। राइट, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप ऐसे भी कर सकते हो ऑफसेट एंड देन यहाँ पे मैं जाकर ब्लेंडिंग ऑप्शन में ले लेता हूँ। लाइक कुछ कलर डॉज के अकॉर्डिंग ले लो आप एंड देन अगर आपको थोड़े से और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पंच चाहिए तो आप यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ विंडो एंड देन इफेक्ट्स प्रीसेट में चले जाओ एंड देन यहाँ पे लिख लो कलर, या जो भी कलर ग्रेडिंग आप लेना चाहते हो ले लो यहाँ पे। तो कलर यहाँ पे कलर ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूँ यहाँ पे
यहाँ पे मैं जाके लेता हूँ ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, एंड देन थोड़ा सा यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ा सा ब्राइटनेस, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, जैसा भी आपको चाहिए होगा थोड़े से वैसे आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। इवन दो अगर आपको चाहिए तो थोड़े से लेवल्स वगैरह भी आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे। ओके, तो लेवल्स को भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, एंड देन थोड़े से आप लेबल्स वगैरह पे भी यूज़ में ले सकते हो, सी कुछ ऐसा जैसा भी आपको चाहिए होगा। थोड़े से लेबल्स वगैरह आप इंक्रीज़ कर लो, थोड़ा सा स्क्रीन वाले स्टाइल में थोड़ा दिखना चाहिए, दैट्स फाइन। ओके, नाउ यू कैन सी। तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसा आप यहाँ से ले सकते हो। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है, एंड देन मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ऐसा। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट भी आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो थोड़े से कलर आप चेंज करके आप देख लेना यहाँ पे कौन सा बेटर है, एंड देन आप उसके बाद यूज़ में ले सकते हो इस चीज़ को। सी, तो अभी आप देख सकते हो कि बहुत ही बेटर तरीके से आप यहाँ पे पूरे का पूरा स्क्रीन जैसे होते हैं। ऐसे आप ले सकते हो, राइट। सी, एंड देन अगर कुछ और इफेक्ट अप्लाई करने, फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक और भी चीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ, विंडो एनिमेशन कंपोज़र, एंड देन यहाँ पे मैं जाकर ये ले लेता हूँ, ऑनली इन करता हूँ, मैं आउट नहीं करता हूँ, इन ले लेता हूँ मैं, फाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से पॉप होकर आया है। ओके, तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, एंड देन इवन दो अगर मैं इसकी जो ओरिजिनल वीडियो फुटेज है उस पर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ले सकते हो, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर दो तो ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, थोड़ा सा बेटर लुक आ जाएगा यहाँ पे। ओके, कुछ ऐसे। एंड देन मैं एक काम और भी करता हूँ, इसके ऊपर एक और ग्लू भी मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो थोड़े से और भी अच्छे लगेंगे यहाँ पे। ग्लो कर लो या डीप ग्लो आप ले लो यहाँ पे, सिंपली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो थोड़े बहुत आपको यहाँ पे ग्लो के इफेक्ट्स दिखाई देंगे, फाइन। ओके, तो ये था मेरा आज का फाइनल आउटपुट, कुछ इस तरह से भी आप बना सकते हो अपने वीडियोस वगैरह को। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, एंड देन आपने कुछ नया सीखा होगा कि किस तरह से हम लोग 3D कैमरा ट्रैकिंग को हम लोग यूज़ में ले सकते हैं, किस तरह से हम लोग उससे कुछ क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स के लिए, अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ में ले सकते हो। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।